हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द ट्विन बॉस में। सो आज फाइनली मैं हाजिर हुआ थिंग ऑफ ब्यूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टोटल चार टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन बोलते हैं, RTCM बोलते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और आखिरी में लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत बार ये अलग अलग क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमने पूरे उसमें ऐड किए हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सीधा चालू करते हैं, सबसे पहले MCQ देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम, तो इसका आंसर है हेवेंस ब्रिंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर, हूज ग्रैंडियर इज ही टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर आंसर आता है डूम्स ऑफ माइटी डेड। ये आपको पता होगा, आप आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री आता है एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर, तो इसका आंसर आता है सी रीडिंग अ फ्लावरी पेंट। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, तो इसका मीनिंग होता है प्लेजेंट एंड पीसफुल स्लीप। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव आता है ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स दैट दे, इनका आंसर है बी नेवर फेड अवे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन, वॉट डज मोरो मीन्स, तो मोरो मतलब होता है नेक्स्ट डे, परसों को क्या बोलते हैं हम, ओवर मोरो, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट आता है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द वर्ड सम शेप, तो भाई सम शेप SS यहाँ अलिटरेशन का यूज किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन आता है हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस वेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन, तो इसका आंसर आता है बाय गिविंग अ रे ऑफ होप। फिर क्वेश्चन नंबर टेन, वॉट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, तो इसका आंसर आता है डी All the things of beauty. Question number 11. Write the phrase which means it is immortal. It will never pass into nothingness. ये आपको पता होना चाहिए, बहुत important है ये. Question number 12 आता है What is the message of the poem? All of the above. Beauty never fades. Beauty lifts spirits high. Beauty is a joy forever. All of the above इसका answer आता है. फिर question number 13. What are the things of beauty mentioned in the poem? तो all of the इस फिर से आता है sun and moon, young trees and streams, flowers सब की बात करी गई है. फिर question number 14. What circumstances makes man unhappy? Tendency of hopelessness. ये इसका answer आता है. फिर question number 15. Why do we need a flowery band? To have strength and joy in spite of all sadness. ये इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। Why are our spirits referred as dark? Because of sadness and disappointments. इसलिए डार्क किया गया। क्वेश्चन आंसर में भी आएगा तो और समझ में आपको आएगा। इतने ही हमारे MCQ आते हैं यार, अब हम हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला मैं आपको लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि फ्री में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, सीधे आखिरी तक आपको बता देता हूँ जल्दी से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर से लेकर क्वाइट ब्रीदिंग वाली जो लाइन आती है उनका हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एवर लास्टिंग जॉय, तो इसका आंसर है इंक्रीज इन लवलीनेस। ये इसका बहुत ही सही आंसर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर टू, वॉट इज द इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन इट्स लवलीनेस, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, गिव्स अ पीसफुल स्लीप, प्रोवाइड्स गुड हेल्थ, अलाउस क्वाइट ब्रीदिंग, तो तीनों आते हैं ऑल ऑफ द अबव। फिर विच वन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर विच द पोएट हैज गिवन इन दीज लाइन्स, तो शेडी प्लेस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। फोर्थ आता है द एक्सप्रेशन पास इन टू नथिंगनेस इम्प्लाइज दैट ब्यूटी थिंग्स नेवर फेड अवे है इसका आंसर, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आता है। इसके बाद फिर अगला RTC देख लेते हैं, दे आर फोर ऑन एवरी मोरो से लेके मेड फॉर आर सर्चिंग तक, तो पहला क्वेश्चन आता है वॉट आर द फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ, तो इसका आंसर है मेमरी ऑफ ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं द एक्सप्रेशन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रिफर्स टू सैडनेस एंड डिप्रेशन। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डू वी प्रिपेयर अ रीथ ऑफ फ्लावर्स, तो इसका है टू बाइंड अस ऑन अर्थ। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द रीजंस दैट मेड आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, तो बोथ ए एंड सी फॉलोइंग विकेट पाथ्स और सी लॉस ऑफ फेथ, तो ये आता है दोनों इसके। इसके बाद फिर अगला आता है येस इन स्पाइट ऑफ ऑल से लेकर डार्क स्पिरिट्स वाली जो लाइन आती है, तो वॉट रिमूव्स द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, तो साइट्स ऑफ नेचर इसका आंसर आता है। सेकेंड आता है हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस वेन वी आर बर्डेंड विद ग्रीफ, इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, फिल्स अस विद कंफर्ट एंड जॉय, मेक्स अस फॉरगेट आवर सॉरो एंड सफरिंग। फिर सी देख लेते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, तो वहां पर मेटाफर का यूज किया गया है, बहुत कॉमन है, उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं वैसे, अगर आप लोग को फिगर ऑफ स्पीचेस में प्रॉब्लम होती है तो। फिर व्हाई आर स्पिरिट्स रिफर्ड फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स इज अ रेफरेंस टू, इसका है ऑल ऑफ देम आर ओन इविल एक्शंस आर डिमोरलाइज्ड स्पिरिट्स फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहां पर आता है। फिर फोर्थ देख लेते हैं,
सच द सन द मून से लेके हमारा अगेंस्ट द हॉट सीजन वाली जो लाइन आती है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट गिव अस जॉय, ऑल ऑफ द अबव, भाई जितनी नेचर की चीज़ें हैं सब हमको एक जॉय देती हैं, जैसे कि ओल्ड एंड यंग ट्रीज, सन एंड मून, डेफोडिल्स, फिर विच ऑफ दिस प्रोवाइड जॉय एंड रिस्पाइट इन द हॉट सीजन, बोथ ए एंड सी, ए आता शेड्स ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ट्रीज इन फॉरेस्ट, और फिर हमारा सी आता है क्लियर वाटर स्ट्रीम्स। इसका थर्ड आता है व्हाट डज द वर्ड ब्रेक इंप्लाइज, तो यहाँ पर है अंडरग्रोथ ऑफ फर्न्स और बुश। इसका डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लियर रिल्स, तो कूलिंग शेल्टर है इसका आंसर, है ना। फिर क्वेश्चन फाइव देख लेते हैं हमारा, एंड सच टू इज द से लेके हमारे हेवेंस ब्रिंक वाली जो लाइन आती है, तो व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन दिस लाइन, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव मेंशन किया है, ब्यूटी इज इन डेथ, स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर्स, लवली टेल्स, है ना। फिर व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन दिस लाइन, तो यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन वो यूज करते हैं। फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक ऑन अस, तो इसका इट ब्रिंग्स एवरलास्टिंग जॉय। फिर है व्हाट आर द माइटी डेड रिफर टू हियर, तो इसका है ग्रेट एंसेस्टर्स, यहाँ पर जो माइटी डेड है उनसे हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स की बात करी गई है। इतने हमारे आरटीसी आते हैं यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनको अच्छे से देखिएगा। अब शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, थोड़े ज़्यादा होने वाले लेकिन बहुत ही ईजी हैं ये। पहला आता है व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, तो भाई हमें एवर लास्टिंग जॉय एंड प्लेजर देती हैं, और ये वर्थ है ट्रेजरिंग के, क्योंकि भाई हमारी नर्व्स को काम करते हैं और कहीं ना कहीं हमें डिप्रेसिंग एलिमेंट जो हमारी लाइफ के उन्हें ओवरकम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर टू आता है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इस वाले जो पोएट्री है इससे अलग अलग क्वेश्चन सालों में देखने को मिले, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किए हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि गिने चुने दो तीन क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार अलग ले आते हैं, क्योंकि पोएट्री भी थोड़ी सी बड़ी और साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसपास ही घूमते हैं तो हमसे इजीली बन जाएंगे। तो वही है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, तो यहाँ पर है एवरीथिंग इन नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ जॉय, यहाँ पर जैसे कि द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, मासेस ऑफ फर्न्स एंड ब्लूमिंग मस्क रोजेस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये हर चीज़ ब्यूटी है और ये हमारी लाइफ में जॉय ऐड कर देते हैं एकदम से। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आता है इज द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, तो यार बहुत सारी ऐसी थिंग है जो पेन एंड सफरिंग लाते हैं, हमारी मैलीस एंड डिसअपॉइंटमेंट सबसे बड़े सोर्स हैं इसके, मैलीस मतलब होता है अगर हम किसी के लिए फीलिंग रखते हैं उसको हार्म पहुँचाने के लिए, तो ये आता है, तो डिसअपॉइंटमेंट ये सब हमारी सबसे बड़ी वो सोर्स हैं सफरिंग के। फिर नोबल क्वालिटीज़ हम लैक करते हैं, ये एक रीज़न आता है। फिर हमारे अनहेल्दी और ईविल वेज हैं, ये ट्रबल और सफरिंग को बर्थ देते हैं, हमारी स्पिरिट को गंदा करते हैं, हमको नेगेटिव करते हैं, तो ये कुछ इसका एक आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर फोर आता है व्हाट डज द लाइन देयर फोर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू, इसका मीनिंग है कि हम हर दिन एक माला, फ्लावर की आप रीथ ऑफ फ्लावर्स मतलब एक फूल की माला बोल सकते हैं, उसको वीव करते हैं, ये हमको अटैच करती है हमारी अर्थ के ब्यूटीज से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, तो भाई ट्रबल्स एंड सफरिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन जो हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे आजू बाजू ये हमको एक अच्छा माहौल देती हैं, ये हमारी जितनी भी उदासी है उसको मिटा देती हैं और हमें एक नेचर की ब्यूटी को मज़े लेने का प्रोवाइड ऑप्शन मिलता है, तो क्या हमें पूरे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और हम एक अच्छी स्टेट पर आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है वाई इज़ ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, तो यहाँ पर भाई ग्रैंडियर जो वर्ड है उसको माइटी डेड से एसोसिएट किया गया, मतलब हमारे फोर फादर से किया गया है जो उनके टाइम में बहुत ग्लोरियस रहे हैं, उनका जो पास्ट है वो हमारी पूरी ग्लोरी की स्टोरी से भरा पड़ा हुआ है, तो हम कभी भी उनकी ग्लोरियस अचीवमेंट्स को नहीं भूलने वाले हैं, तो ये पूरा इसका एक प्यारा सा आंसर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन आता है डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो ये थोड़े समय के लिए नहीं होते हैं, प्लेजर और मोटिवेशन हमेशा के लिए होता है, ये कभी फेड नहीं होती है और समय के साथ और बढ़ती जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी बाउंटी ऑफ अर्थ, तो हमने ये अभी आरटीसी में भी देखा द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ नेचर एज एन एंडलेस फाउंटेन जो कि हेवन से पोर हो रहा है, इनका कहना है कि नेचर एक एंडलेस जॉय का सोर्स है, मून हो गए, सन हो गए, डेफोडिल्स हो गए, क्लियर स्ट्रीम हो गई, फॉरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और हम पर एक डीप इम्पैक्ट ये डालती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, तो भाई आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन थोड़े मिलते जुलते हैं, हल्की हल्की चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो भाई थिंग ऑफ ब्यूटी एंडलेस जॉय ऐड करता है हमारी लाइफ में, हमें हमारे सैडनेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है, होपलेसनेस को ख़त्म करता है और एक एवर लास्टिंग हैप्पीनेस से हमें प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं
मेंशन टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट कीट्स रिफर टू इन हिज पोएम, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस अस। तो यहाँ पर दो चीज़ों की हमारे कीट्स ने बात करी है, वो है ब्यूटी इन नेचर एंड ब्यूटी इन लिटरेचर। तो उनने बताया कि भाई कैसे इन चीज़ों की मदद से हम सैडनेस और ग्लूम को ओवरकम कर सकते हैं, हमें एक अच्छी इन्फ्लुएंस करती है अच्छे तरीके से हमारी सोल को, और अच्छा एक सही करती है, एकदम प्योर करती हैं, हमारा पूरा मूड भी सही कर देती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, अकॉर्डिंग टू कीट्स वॉट स्प्रेड द पॉल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आर डार्क स्पिरिट्स, हाउ इज इट रिमूव्ड। यहाँ पर हमने MCQ में नहीं डाला था क्योंकि क्वेश्चन में आ गया, आपको बता देता हूँ। इस पोएट्री के पोएट है जॉन कीट्स, अब वो हम बार बार रिपीट नहीं करते, क्वेश्चन में इतनी बार कीट्स से जाएगा कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो कीट्स सेज दैट पेन एंड सफरिंग आर अ पार्ट ऑफ लाइफ विच स्प्रेड द व्हील ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आर डार्क स्पिरिट्स, ये इनका कहना है, हमने MCQ में भी देखा ही है। बट इनका कहना है कि इस सब के बाद मतलब कुल मिला के ये जो भाई पेन सफरिंग है हमारी डार्क स्पिरिट्स में एक पर्दा डाल देते हैं दुख का, लेकिन फिर भी हमारे पास होप है, और ये होप और जो मोटिवेशन है हमें नेचर से मिलता है, और ये हमारे पूरे दुख दर्द को खत्म करने का पूरा ट्राई करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो भाई ये है कि हमें जब हैप्पीनेस और कंफर्ट मिलता है, जब हम ये ब्यूटी को ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हमारे माइंड पर एक इंप्रेशन आता है जो बहुत लंबे समय का एक परमानेंट जॉय देकर जाता है, हमें रिलीफ प्रोवाइड होता है, और हमारी डेली लाइफ में जितनी प्रॉब्लम हो रही है वो साइड में हो जाती है, और हम एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, वॉट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड वॉट इज इट्स इफेक्ट। तो द एंडलेस फाउंटेन रिफर्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये एक हमारे हेवन की तरफ से बून है हमारे लिए, ये हमारी पूरी मिसरीज को खत्म कर देता है, और हमें एक अच्छी ब्यूटी प्रोवाइड करता है, एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है हमारी जर्नी के लिए, वही सेम इसमें भी एक आंसर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वॉट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो भाई इसका मैसेज बहुत सिंपल है कि जो हमें थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें एंडलेस जॉय देती है, हमें सैडनेस को ओवरकम करने में मदद करती है, होपलेसनेस को खत्म करने में मदद करती है, और एक एवर लास्टिंग हैप्पीनेस हमें प्रोवाइड करती है। इसके बाद अब सीधे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये भाई हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी की पहली लाइन है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मल्टी लेयर्ड लाइन है जिसमें बहुत सारे मीनिंग आते हैं। ये हमें बताती है कि भाई ब्यूटी का क्या इफेक्ट होता है हमारी सोल पर। ब्यूटी जो है हमारी पूरे नेगेटिव इम्पल्सिस को ख़त्म कर देती है, उनको हील करने का काम करती है, और पूरी वरीज को ख़त्म करती है, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें एक प्रेरित करती है ये चीज़। और फिर यहाँ पर ये भाई कीट्स एक रोमांटिक पोएट है, तो इन्हें बताया है नेचर की पावर को अपनी पोएट्री के जरिए, इन्हें बताया है कि नेचर में कैसे इतनी पावर है कि वो हमें खुश कर सकती है, एक एवर लास्टिंग जॉय दे सकती है, और पूरे हमारे सोरोज़ को वो खुद रख लेगी, उसको समाप्त कर देगी, उसको पूरा हील कर देगी, ऐसा इन्हें पूरा यहाँ पर बताया है। तो यही पूरा इसमें आता है, और इनका कहना है कभी नथिंगनेस में नहीं जाएगी, ये इटर्नल है, और ये समय के साथ और बढ़ती जाएगी और हमको खुश करती जाएगी। तो पूरी यहाँ पर एक नेचर की ब्यूटी के बारे में इसमें बताया गया, तो वही जो हमने पीछे आंसर देखे उसी को मिलाकर आपको एक मन से बहुत ही प्यारा आंसर इसमें लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो भाई हमारी यही पोएट्री अ थिंग ऑफ ब्यूटी की लाइन से अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर वहां पर नहीं मेंशन है कि किस पोएट्री का, तो आपको उसको पोएट्री का लिखना पड़ेगा, जैसे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इनका कहना है कि भाई जो ये ब्यूटी है इसका एक एवर लास्टिंग एक जॉय हमको प्रोवाइड करती है, ये एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय की तरह है, जैसे कि एक इमोर्टल ड्रिंक होती है। इनका कहना है कि मान के चलिए आप हैविंग के क्लिफ के एज से एक ऐसी पानी की धारा बह रही है जो कि मतलब वही जॉय की धारा है, तो ऐसा इनने इसको ये बताया है इमोर्टल ड्रिंक के तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं, इट इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय दैट इज इमोर्टल एज अ ड्रिंक पोरिंग डाउन ऑन अस एज अ वाटर ऑफ जॉय फ्रॉम द एज ऑफ हेवन्स क्लिफ। तो ये पूरा इसमें इनने बताया है, और इनका कहना है कि हेवन की तरफ से ब्लिस है, लाइक ब्लिस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। उसके बाद यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई नेचर का इन्हें पूरा बताया कि कैसे वो हमें प्लेजर और जॉय देती है, और हमें पूरे इस दुनिया को एक अच्छे नज़रिए से देखने का मौका मिलता है, हमारे पूरे दुख दर्द को समाप्त कर देती है, ऐसा पूरा आता। और एक एक गिफ्ट है जो वर्थ ट्रेजरिंग है, इनने कहा है कि हमारे पूरे दुख दर्द को ख़त्म कर देती है, ऐसा करके एक पूरा इसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एनालाइज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो भाई अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जैसे मूव्स द पोल में मेटाफर का यूज़ किया गया है, जहाँ पर बताया गया कि सोल जो हमारी सोल है वो कैसे सैडनेस और होपलेसनेस में चले आती है, जैसे कि इसमें डेड बॉडी के श्राउड से इसको कंपेयर किया, श्राउड मतलब एक जो कपड़े से डेड बॉडीज को रैप किया जाता है, तो वो पूरा इसमें दिया गया है। फिर जैसे मेटाफर इमोर्टल ड्रिंक में यूज़ किया गया है, अ फीलिंग ऑफ इमेंस जॉय हैज बीन कंपेयर्ड टू अ ड्रिंक दैट फ्लोज डाउन फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक like an endless फाउंटेन, ये पूरा इसमें यूज़ किया गया है। उसका नोबल नेचर, सिंपल शीप, कूलिंग कन्वर्ट में अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, इमेजरी का भी यूज़ जैसे फ्लावरी बैंड्स, डेफोडिल्स विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, क्लियर रेल्स एंड एंडलेस फाउंटेन, ऐसे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं,
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, दिस इज वॉट जॉन कीट्स सेज इन दिस पोएम. डू यू थिंक इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस एंड वॉयलेंस प्रॉक्सिमिटी टू ब्यूटिफुल थिंग्स कैन लीड टू मैन टू एवर लास्टिंग हैप्पीनेस? डिस्कस. बिल्कुल ले जा सकती है, हमें इसमें मन से आंसर लिखना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या आप लिखेंगे. तो भाई देखिए, हमें जैसा पोएट्री में बताया गया कि परमानेंट हैप्पीनेस हमें प्रोवाइड करते हैं, तो आज के समय में जहाँ पर स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है. क्वेश्चन पूछा गया तो हमें बताना है इसकी वैल्यू और बढ़ती है. हमें नेचर रिलैक्स करता है, हमारी नर्व्स को काम करता है, हमें एक अच्छा मौका ज़िंदगी जीने का देता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है. कहीं ना कहीं हम अगर ब्यूटी से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, ऐसा पूरा इसमें दिखाया गया. पूरी हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आ जाती है. तो अगर हम नेचर के पास हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती आज की दुनिया में. तो ऐसा पूरा आपको आंसर बताना है, यही बताना है कि भगवान की एक बहुत अच्छी देन है, गिफ्ट है, जो हमें भगवान की और पास ले आती है. ऐसे करके इसका पूरा आंसर आएगा. और आपको इसमें बताना है कि भाई ब्यूटी क्या होती है नेचर की, कैसे हमें एवर लास्टिंग पूरी जॉय देती है, जैसा कि पोएट्री में हमने पहले पूरा डिस्कस किया. इसी के साथ यार ये वाला हमारा चैप्टर खत्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अभी भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. बाकी तब तक के लिए साइनिंग ऑफ गुरु टहंगरिया.